राम राम श्री राम। आप राम सब लोग सुन रहे हैं मुझे? राम राम। आप सब लोग सुन पा रहे हैं मेरी वाणी? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे। तो सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। एक कहावत है कि दावत में बुलाया जाता है और मिठाई सबसे अंत में दी जाती है, तो हम मिठाई सबसे पहले देना चाहेंगे क्योंकि हम जन्म से ब्राह्मण हैं, मीठा हमें बहुत पसंद है। तो आज का जो विषय है वो नवधा भक्ति पर है, जिसकी चर्चा रामायण में की गई है, और भगवान राम ने नवधा भक्ति के लक्षण शबरी को सुनाए हैं। इसी की चर्चा श्रीमद् भागवतम में भी है, सुखदेव जी ने ये चर्चा की है, और जो भक्तराज प्रहलाद महाराज हैं उनको पिता ने बुलाया, हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटे कैसे हो, तो बेटे ने प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताजी अब आपको जंगल जाना चाहिए, ये राजपाट छोड़ करके। फिर अपनी अपना उपदेश दिया 5 वर्ष के बालक ने, और उस उपदेश को कहा जाता है श्रवणम कीर्तनम, उसमें 9 भक्ति के लक्षण हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर शील रूप गोस्वामी को 10 दिन तक प्रवचन किया था। उस प्रवचन में भक्ति के लक्षण क्या है, उत्तम भक्ति क्या है, ये चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दी थी। रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे बंगाल के नवाब के राज्य में, लेकिन उसको त्याग करके आ गए थे, और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी ये प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। ये दोनों दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे, दोनों चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए। तो जो भक्ति की सबसे उत्तम परिभाषा है वो चैतन्य महाप्रभु ने दी है, किसको, श्री रूप गोस्वामी को। और अब हम आपको मिठाई देने जा रहे हैं, ध्यान से खाइए। ये मिठाई ये है, सार ये है, और इसी की चर्चा चैतन्य चरितामृत में भी की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा प्रियतम से निष्काम प्रेम, यही है कि सिर्फ उनके श्री चरणों में अनुराग बढ़ता रहे, इसके अलावा अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो भक्ति की क्या अभिलाषा है, कि सिर्फ भगवान के चरणों में हमारा प्रेम रहे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। यह है भक्ति की चरम पराकाष्ठा। थोड़ा विषय से बाहर जाते हैं, सबसे उत्तम भक्त कौन है, या भक्ति की चरम, भक्ति का चरण उदाहरण क्या है। तो चरम उदाहरण जो है ये गोपियां कही जाती हैं, जिन्होंने हर तरह की मर्यादा त्याग दी भगवान के प्रेम में। और इसका प्रमाण यह है कि जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के सर में दर्द हो रहा था, तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि ये सर दर्द दूर होगा अगर कोई भक्ति की चरण रज मेरे सर पर लग जाए। तो नारद जी से उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने पैरों की धूल आपको दूं, ऐसा पाप नहीं कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा फिर जाओ गोपियों से ये प्रार्थना करो। जैसे ही नारद जी गोपियों के पास आए, गोपियों ने जल्दी से अपने चरण की धूल दे दी, कहा ले जाओ, जिससे मेरे प्रेमी, जिससे मेरे स्वामी की तकलीफ दूर होती है उसको करने में हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये चरम जो भक्ति है ये आपको गोपियों में मिलेगी। अब वापस आते हैं नवधा भक्ति पर। तो शबरी कौन है, शबरी एक स्त्री है, क्षुद्र है,
नीच जाति की है और ऐसी आम धारणा है कि स्त्रियां जो है इनसे भक्ति नहीं हो पाती, ये एक आम धारणा है। वेदों के पाठ में यज्ञोपवीत आदि ये स्त्रियों का नहीं किया जाता है, सिर्फ पुरुषों का किया जाता है। अब शबरी को उनके स्वामी ऋषि मुनि बता गए थे काफी पहले भविष्यवाणी कि हे शबरी तुम इस आश्रम में रहो और एक दिन यहाँ भगवान राम स्वयं आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। तो भक्ति रोज झाड़ू लगाती थी आश्रम के आसपास, उस रास्ते के आसपास भी झाड़ू लगाती थी, उसको पता था कि भगवान राम यहाँ से चल करके आएंगे। अब जब सीता जी का हरण हो गया और सीता जी को खोजने के लिए भगवान राम निकले, तो वो निकलते 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 दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे और रास्ते में शबरी का मिलन हुआ। तो सबसे सुंदर मिठाई यहाँ पर यह है, और इसको ध्यान पूर्वक सुनिए, शबरी जैसी क्षुद्र जाति की स्त्री को भगवान राम क्या कह रहे हैं, उसे भगवान राम स्वयं भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब मैं छोटा था, 4-5 साल का था, तो मेरी माँ इस नवधा भक्ति के लक्षण को सुनाया करती थी मुझे। अब शबरी जो है, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहू आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तो शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर के श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। और ये तो आप सब जानते हैं कि शबरी बेर को चख भी लेती थी और जो मीठे बेर थे वो भगवान को देती थी, और भगवान प्रेम वश शबरी के मीठे बेर खाते गए, जूठे बेर खाते गए और लक्ष्मण गुस्साते गए। लक्ष्मण को 4 बेर दिए शबरी ने और लक्ष्मण ने नजर बचा करके वो 4 बेर फेंक दिए। तो बाद में लक्ष्मण जी को उसका दंड उठाना पड़ा। तो अब भगवान राम क्या कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, सबसे पहले शबरी कह रही है कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमय मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से अधम है स्त्रियां, उनमें भी अधम है और उनमें है पापनाशन भगवान श्री राम, मैं मंत बुद्धि हूं। अब राम जी कह रहे हैं, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। तो ये भगवान राम की महानता है कि वो जात पात कुल नहीं मान रहे, वो क्या मान रहे हैं, सिर्फ भक्ति मान रहे हैं। अब भगवान राम कहते हैं, नवधा भक्ति कहो तो पाही, सावधान सुन धरु मन माही। अब इस बात को और ध्यान से सुनिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी तुझसे अब मैं नवधा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करहि कपटि तज ज्ञान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ धम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम
सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जता जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें परदोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर में संभाव में, मुझ में ओत प्रोत राम में देखना, सिया राम में सब जग जानी, और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराए दोषों को न देखना। अंतिम लक्षण भगवान राम बतला रहे हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना, नौ में जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर होई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। अब भगवान राम सभी से क्या कह रहे हैं, इन नौ भक्तों में, इन नौ लक्षणों में जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन इस जगत में दुर्लभ है। अब राम बहुत सुंदर वाक्य कह रहे हैं, हे शबरी, तुम्हारे अंदर तो ये नौ के नौ लक्षण हैं। कितनी महान बात है, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है संसार में जिसमें इन नौ भक्तियों के लक्षणों में एक हो, लेकिन हे शबरी, हे भामिनी, तेरे अंदर ये नौ के नौ है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम कि प्रह्लाद महाराज क्या कह रहे हैं। प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो ये नौ लक्षण एक एक करके प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं। तो श्रवणम, श्रवणम में क्या है, जो ध्यान से भगवान का नाम सुने, चर्चा सुने। तो किसने ध्यान से भगवान का नाम सुना, चर्चा सुनी, ये इसमें परीक्षित महाराज का नाम आता है। कीर्तन, सुखदेव जी ने सात दिन तक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई, कीर्तन किया, कीर्तन जो है ये दूसरा लक्षण है। स्मरण, प्रह्लाद महाराज ने भगवान का सदैव स्मरण किया, ये तीसरा लक्षण है। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी हमेशा सेवा कर रही है नारायण की, विष्णु जी की, तो निरंतर सेवा कर रही है, तो ये लक्ष्मी जी का इसमें सर्वोपरि माना गया है। अर्चनम, पृथ्वी महाराजा ने हर तरह से वंदना की, अर्चना की, इसमें पृथ्वी राजा श्रेष्ठ मानते हैं। अक्रूर जी ने वंदन किया श्री कृष्ण जी का, तो ये सबसे बड़ा उत्तम उदाहरण माना जाता है अक्रूर जी का। हनुमान जी से बड़ा कौन है, कोई भी नहीं, सबसे बड़े भक्त हनुमान जी है। उन्होंने दास्य भाव से प्रार्थना की थी श्री राम जी की, और सखा भाव में अर्जुन सर्वप्रथम आते हैं, कृष्ण के साथ एक ही बिस्तर में सोते थे, मजाक करते थे कृष्ण से, उन्होंने माफी मांगी कि हे कृष्ण जी, हमने जो गलतियां की हैं उसकी हम क्षमा प्रार्थना आपसे चाहते हैं। अब आते हैं नवे लक्षण में आत्मनिवेदन। तो बलि महाराज ने अपने को दे दिया वामन देव को, वामन जी को, तो ये बलि महाराज का आत्मनिवेदन सबसे बड़ा उदाहरण है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बलिदान। तो ये नौ लक्षण जो है भक्ति के, ये श्रीमद् भागवतम के अनुसार हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। अंतर क्या है नवधा भक्ति रामायण और प्रह्लाद महाराज के संदेश में, अंतर यह है, अंतर तो कोई नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए अंतर है कि जो सगुण भाव है ये नवधा भक्ति में दिया गया है, और जो निर्गुण भाव है ये प्रह्लाद महाराज ने बताया है। और इन सब का सार मिठाई आपको मिल चुकी है, उसका आस्वादन कीजिए।
अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशूलनम भक्ति उत्तमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राम।